अस्सलाम वालेकुम दो जी, कैसे हैं आप सब? पाकिस्तानी फूड फॉर मुर्गी एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ भाई उर्दू बाजार के अंदर। अच्छा, उर्दू बाजार में मुझे जो गन्ने वाला मिला है उस गन्ने वाले शॉप के ऑनर का नाम है सईद खान। तो आइए चलिए चलते हैं उनके गन्ने का रस की लेकिन देख रहे हैं और साथ साथ इसको हम टेस्ट कर रहे हैं और इनके ऑनर से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जी हमारे साथ जो गन्ने के शॉप के ऑनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप मुझे अपना नाम बताएं। सईद खान, मुझे भाई आप ये बताएं कि आपको इस काम में कितने साल हो गए? 3 साल। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 1 साल। 1 साल। अच्छा, आप आते कब है? सुबह 8 बजे आते हैं। और जाते कब है? 5 बजे जाते हैं। और उसके बाद जाके भी कोई और काम करते हैं या आराम करते हैं? आराम। चलें, अच्छी बात है। तो आइए चलिए, बहुत शुक्रिया सईद भाई। और सईद भाई के हाथ का जो गन्ने का रस है वो हम देखते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं, साथ साथ उसको टेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद भाई। पहले जो भाई गन्ने का रस कटेगा, अच्छा किस हिसाब से होता है ये आधी आधी शाखें काटते हैं? अच्छा सही। और ये जो है इस मशीन के अंदर से पास आउट होगा, क्या आप देख सकते हैं? ये हो गई मशीन स्टार्ट भाई, और ये गया अंदर, और अंदर से जाने के बाद जो है ना भाई ये यहाँ से निकलेगा वापस और ये सारा वेस्ट जाएगा यहाँ पे, एंड देन जितना भी रस है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। ये भाई आप देखें, एंड देन फिर अगेन जो है ये दोबारा इसको मशीन के अंदर वापस से जो है इनपुट करेंगे, और उसके साथ साथ जो ये लीमू लगा रहे हैं भाई, ये देखें टेस्ट के लिए, ताकि पूरे गन्ने के रस में टेस्ट आ जाए। ये बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन हो गया। ये आप देखें, ये आया सारा बाहर इस टनल से। तकरीबन 3 से 4 बार ये प्रोसेस होता है ताकि जो जितना भी गन्ने के अंदर रस होना वो पूरा जो है निकल के जो है ये आपके लिए बाहर आ जाए और फिर आप जो आसानी से इसको पी सकें और फिर उसके रस के अंदर जूस बाकी ना रहे। अच्छा, साथ साथ ये देखें आप, दूसरा ये कि यहाँ जो है आप भी देखें इस मशीन, इस जो है ग्राइंडर के नीचे ही ना यहाँ पे जो है इन्होंने बर्फ लगाई है ताकि जो जितना आपके पास से जूस निकल के आए यहाँ पे बाहर तो वो ठंडा ही निकले। तो ये देखें आप भाई, पूरा तैयार हो चुका है। तो आइए चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं, छान लेंगे, उसके बाद हमें देखें। आ चुका है, आप देख सकते हैं, और इसको हम पीने लग जाते हैं क्योंकि जो है इसके अंदर उन्होंने, आपने देखा होगा प्रोसेस जब हो रहा था, इस गन्ने के बीच में इन्होंने जो है लीमू जो है वो ऐड कर दिया था ताकि जो पूरे गन्ने के जब रस निकले तो उसके अंदर जो है लीमू का टेस्ट भी जो है मौजूद हो। साथ साथ ऊपर से जो है मैंने ताला नमक डलवाया जिसकी वजह से जो है आपको पता होगा कि मज़ा दोबारा हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार बेहतरीन हो गया, और मैंने इनको कहा था कि जो है बर्फ़ जो है हल्की रखेगा और उन्होंने बर्फ़ कम ही रखी है और बहुत ज़बरदस्त जो इसका ये देखें आप जो धाग बने हुए ना इसके और जो भी ग्राइंड होकर निकल के आया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आया लींबू का, और साथ साथ जो है जो काला नमक है उसने मज़ा दुबाला कर दिया। और पूरा प्योर है, मतलब गाढ़ा है, ना कि ऐसा कि कुछ पानी मिला हुआ, सब चीज़ें जो है अप टू डी मार्क है भाई। और अपना वीडियो अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एक यूनिक चीज़ दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।